महंत जी, अगर आप देखें आजकल जिस तरीके का चलन हो गया है, आस्था अब ऐसा लगता है कि कोई मायने नहीं रखती बहुत सारे लोगों की नज़र में। अगर मेरी आस्था आपके प्रति है तो शायद उसके लिए वो अंधविश्वास हो सकता है, इसलिए वो उस अंधविश्वास को लेकर बहुत सारी बातें कर जाता है। ऐसे मामले बहुत सारे हो रहे हैं कि क्या केवल हिंदू धर्म में ही शास्त्री जी जैसे लोग हैं, यहाँ तो हर धर्म के लोग हैं इस तरीके की बातें करते हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज में आप जाएं, चाहे वो ईसाई समाज में आप जाएं, चाहे वो आप जो हमारा सिख समाज है वहाँ पे जाएं। ऐसे बहुत सारे धर्म गुरु हैं जिनके प्रति लोगों की आस्थाएं हैं। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ को लेकर इस तरीके की बातें आती हैं, उसे लेकर कभी नहीं आई। बहुत सारी चीज़ें आपके भी सामने हैं, लेकिन आप देखिएगा कि आजकल कुछ एक परंपरा सी पड़ गई है कि भगवे के प्रति कुछ भी कह दीजिए, उसके बाद आपकी चर्चा शुरू हो जाती है और फिर आप एक अच्छे हीरो बन जाते हैं और बात वहीं खत्म हो जाती है। तो ये जो चीजें चल रही हैं, इसे लेकर आप क्या कहेंगे और क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से कि वो अपना ज्ञानवर्धन कैसे करें? प्रणाम मैं सबले गजानी करूं, प्रणाम जो जो पानी संस्कृति हमारी, हर कणकण में देवता है, हर कणकण में भगवान राम है और हम हर व्यक्ति के हृदय में भगवान को देखते हैं, इसलिए हमको प्रणाम भी करते हैं। लेकिन आजकल जो चल रहा है, देखिए नेताओं का आजकल सेकुलर बनने का बहुत ज्यादा शौक हो चुका है, नशा सवार हो चुका है नेताओं को, सेकुलर बनने का नशा सवार हो चुका है। क्योंकि एक कहावत है, खाए खसम की और बजाए यार की। हिंदुस्तान के नेता वैसे ही हो गए हैं, क्योंकि वैसे हो गए, इनका अपने सनातन धर्म पर आपत्ति पैदा होना होने लगी, क्योंकि ये खुद कहीं ना कहीं इनके अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ होगा, आप समझ ही सकते हैं। क्योंकि अगर ये वास्तविकता सनातन को सनातन वाले होते तो टिप्पणी नहीं करते वो। दूसरी बात, आप जिस भी पार्टी से भी है, समाजवादी पार्टी आप देख लीजिए, राम मंदिर का पूर्ण विरोध किया, ये लोग वो हैं जो राम जी को, राम मंदिर को, राम को काल्पनिक कहने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं संतों पर लाठीचार्ज कराते हैं, ये वो लोग हैं राम मंदिर पे जो गोली गोलीकांड करवाते हैं। पर वो तो ऐसे खंडन कर रहे हैं लोगों उसकी बात का, वो तो कह रहे हैं कि ये गलत है, वो तो कहते हैं कि हम तो सभी धर्मों को मानते हैं। ने, अच्छा गलत है तो महंत जी, फिर एक उनको भी चीज, पार्टी से हटाया जाए, जी एक सवाल और आपसे ले गलत रहा हूं है तो कि उनको भी पार्टी सदस्य हटाई जाए ना, उनके खिलाफ हाँ बताया की जाए। हाँ एक अब और है मानते महंत हैं जी तो कि जी सेकुलर की बात हुई है, तो ये जी कहाँ से कहा जा सकता है कि भाई मैं सेकुलर हूं तो मैं एक धर्म पर टिप्पणी करूं तो सेकुलर हो जाऊंगा? ये जो परंपरा से चल पड़ी है, इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये परंपरा जो है, ये क्या होता है ना, इनको सनातन धर्म पच नहीं रहा है, हाँ इनको सनातन संस्कृति पच नहीं रही है। आज पूरा विश्व मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान के रामलला का दिव्य मंदिर बन रहा है, वो इनको पच नहीं रहा है। भगवान राम की जो गूंज आज पूरे विश्व में, वो इनको पच नहीं रही है। ये इस चीज को, भगवान को, सनातन को, राम जी को, या एक व्यास जी को, या संतों को टारगेट करके बैठे, ताकि सनातन सनातन ना कभी झुकाए ना झुके। ये लोग प्रयास करते हैं कि सनातन के ऊपर राजनीति की जाए। क्या राजनीति करने से क्या सनातन का क्या हानि होगा? कोई हानि नहीं होगा, सनातन था है और रहेगा। लेकिन इन लोगों का एक सेक्युलरिज्म बन चुका है कि बस सनातन का विरोध करना, भगवे का विरोध करना, राम पर टिप्पणी करना। कहा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये जैसे इस प्रकार अभी समाजवादी पार्टी के मौर्या जी ने भी जो बयान दिया है रामचरित मानस को लेकर, हमारे रामचरित मानस में देख लिया, राम जी ने माँ अहिल्या के बेर खाए, झूठे बेर खाए, उनको सारा। लेकिन आप ये देखो, केवट को देखो, केवट को गले लगाया। तो हमारे धर्म पर जातिवाद नहीं है, उन्होंने सिखाया है हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे, उन्होंने प्यार सद्भावना दी है। रामचरित मानस जीवन का एक मार्ग है, लेकिन इसको भ्रमित कर दिया जाता है, इसको हटा दिया जाता, सनातन से अलग देखते हैं ये लोग, क्योंकि इनका राजनीति करना इनका मकसद है। नहीं, वो ये ऐसा सबसे है ना बड़ा महन जी, ऐसा जी लगता है कि राजनीतिक जो चश्मा है वो सब जो जातियां हैं उसको अलग अलग तरीके से देखता है, वरना धर्म तो सब एक ही है तो सब हिंदू ही। धर्म जात पात पूछे नहीं तो हरि को भजे सारी को, हमारे शास्त्रों में कहा गया है। हम लोग जात पात नहीं पूछते, राम जात पात नहीं देखते। अगर जात पात देखते तो सबरी के पेड़ झूठे नहीं खाते, केवट के नाव पे नहीं बैठे जात पात देखते, केवट तो भरत की गले नहीं लगाते अगर जात पात देखते। लेकिन ये इन लोगों की सोच, नेताओं की सोच जो है,
दूषित होती जाती है, खराब होती जा रही है सनातन को लेकर, संस्कृति को लेकर, संतों को लेकर। इन लोगों का